कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं? जी हाँ, एसओपी एंड पॉज। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होती है, और किस तरह से हम इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जहां से मैंने बात की थी कि मिन टर्म्स क्या होती हैं, मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका आगे का टॉपिक है, दैट इज के मैप। सो के मैप के अंदर ये सब जो टर्म्स हैं बहुत यूज होती हैं कि एसओपी टर्म आ रही है, पीओएस टर्म आ रही है, मिन टर्म आ रहा है, मैक्स टर्म आ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन द लास्ट लेक्चर। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर मैं बात करने वाला हूं के मैप की। जी हाँ, मिनिमाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और बूलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन के लिए एक मेथड होता है बूलियन अलजेब्रा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ दिस इज द सेकंड मेथड जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे के मैप। सो व्हाट इज के मैप, व्हाई इट इज कॉल्ड कार्नोफ मैप, या व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपली के मैप, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं के मैप में, किस तरह से हम बूलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन करते हैं, तो वो स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन एंड प्लेसिंग स्टेप इन दिस लेक्चर। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन के मैप। So, K map, also known as Karnaugh map. So, this method is used to derive the simplified expression, Boolean expression को simplified form में calculate करने के लिए use होता है, जिस method को हम बोलते हैं K map. And why it is called Karnaugh map? Because this method was first proposed by Wich and modified by the Karnaugh. Right? Hence, it is known as the Wich diagram or the Karnaugh map, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है for the minimization of your Boolean function. अब अगर मैं के मैप की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, जब आगे चल के सेकेंड ईयर में वो लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच में पहुंचेंगे, वहां पे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सो वहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट बेस्ड होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहां पे के मैप एज अ कैलकुलेटर वर्क करता है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहां पे के मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आप के मैप से बहुत इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं। सो के मैप अगर मुझे एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ड्रॉ करना है, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज द मिन टर्म्स और द मैक्स टर्म, या कोई भी एक्सप्रेशन भी चल सकता है। एक्सप्रेशन से मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे लाते हैं वो हमने लास्ट सेशन में इसलिए सीखा था, राइट। नाउ अब उसके बाद जब आपको मिल जाएगा एक एक्सप्रेशन या मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, तब उसके बाद ये आपके स्टेप्स हैं जो आपके के मैप में यूज होते हैं। What are these? सबसे पहला स्टेप आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे प्लेसिंग, थर्ड वन इज द ग्रुपिंग, एंड देन वी गेट द फाइनल वन, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन, प्लेसिंग, ग्रुपिंग एंड देन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, वी गॉट द फाइनल रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। अब अगर मैं बात करूं इतने ये स्टेप्स मैं यहां पे आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपके सिलेबस में जो मेंशन है, दैट इज के मैप अप टू सिक्स वेरिएबल, राइट। हमें पढ़ना है के मैप अप टू सिक्स वेरिएबल, तो सिक्स वेरिएबल से पहले टू वेरिएबल भी है, थ्री वेरिएबल भी है, फोर वेरिएबल भी है, फाइव वेरिएबल भी है, देन अप टू सिक्स वेरिएबल होता है। तो हर एक के मैप में अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर हम उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू प्लेस करते हैं। तो आप प्लेसिंग देखेंगे कैसे करते हैं, उसके बाद जो प्लेस की जाती है वैल्यू उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, देन उस ग्रुप के बेस पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैलकुलेट होता है। दिस इज द ओवरऑल साइकिल यूज्ड इन के मैप। तो जो इस लेक्चर में यहां पे बात करने वाला हूं, मैं एम्फेसिस करूंगा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, हम पहले अप टू फोर वेरिएबल तक सीखेंगे, बिकॉज ये एक बेसिक्स है। जैसे आपको फोर वेरिएबल समझ में आते हैं, आप बहुत इजीली फाइव और सिक्स को कैच करने लग जाएंगे, राइट। बट पहले मैं बात करूंगा टू, थ्री और फोर वेरिएबल की, और यहां पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है एंड प्लेस कैसे किया जाता है, राइट। तो अब अगर सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है टू वेरिएबल के मैप, राइट। अब टू वेरिएबल के मैप अगर है, टू वेरिएबल फंक्शन मुझे मिनिमाइज करना है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि टू वेरिएबल के मैप के अंदर बेसिकली दो वेरिएबल हो गए, ए और बी, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेरिएबल ए एंड बी हैं, तो उनके कितने टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। जी हाँ, टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, टू टू पावर टू, दैट इज फोर। तो फोर का मतलब होता है यहां पे मैं रिप्रेजेंटेशन में फोर बॉक्सेस यूज करूंगा। फोर बॉक्सेस मैंने बना लिए, जिनको मैंने नंबरिंग कर दिया, जीरो, वन, देन टू एंड देन थ्री, राइट। सो टू वेरिएबल, दे आर फोर बॉक्सेस, और हर एक बॉक्स को नंबर किया है। अब बेसिकली नंबर बना कैसे, अगर आप नंबर देखेंगे कैसे आया, सो यहां पे मैंने एक लाइन ली है जिसमें मैंने इस साइड लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट साइड ए लिखा है, ऑन द राइट साइड बी लिखा है। सो व्हाट इज दिस ए वेरिएबल, इफ यू रिमेंबर, अगर हम ए और बी के कॉम्बिनेशन लिखें, दे आर फोर कॉम्बिनेशन, जीरो वन, जीरो वन, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, राइट। सो ए और बी दो वेरिएबल के चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें ए को मैंने क्या बताया था, ए को मैंने बताया था MSB साइड, एंड बी को हमने बताया था LSB साइड, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और यहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, राइट। इसका वेट सबसे ज्यादा होता है। अगर हम टू बिट में देखें तो इस बिट का वेट कितना है, इस बिट का वेट वन है LSB साइड का, और इस बिट का वेट आपका टू है, तो दिस इज सिंपली योर टू वन कोड,
राइट। तो उसी बेस पे मैंने यहां पे लिखा है दिस साइड इज एमएसबी साइड एंड दिस इज एलएसबी वेरिएबल। अब यहां पे सिंगल सिंगल वेरिएबल है, तो यहां पे सिंगल ए वेरिएबल है, तो इसके दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बाइनरी के अंदर, जीरो और वन। सिमिलरली यहां पे बी वेरिएबल है, तो कॉम्बिनेशन जीरो एंड वन, राइट। तो ये हमने कॉम्बिनेशन मेंशन किए। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो आई विल गॉट दिस ब्लॉक नंबर, कि इस ब्लॉक का नंबर क्या बनेगा। जी हाँ, अगर मुझे इस ब्लॉक का नंबर बनाना है तो ए क्या है, जीरो, बी क्या है, जीरो, तो इसका कंप्लीट एड्रेस क्या फॉर्म हुआ, इसका कंप्लीट एड्रेस फॉर्म हुआ जीरो जीरो, राइट। और जब जीरो जीरो फॉर्म होता है तो दैट मींस इन डेसिमल इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज जीरो, क्योंकि हम वेट पढ़ चुके हैं कि आप बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वेट दिस नंबर सेज इट इज जीरो इक्विवेलेंट, राइट। इसी तरह से अगर मुझे नेक्स्ट ब्लॉक की नंबरिंग करनी है तो ये नेक्स्ट ब्लॉक कहता है दिस इज जीरो एंड बी इज वन, तो ए इज जीरो बी इज वन, ये नंबर हमारा फॉर्म करता है वन, राइट। तो वाई दिस इज द ब्लॉक नंबर वन। देन अगर आप थर्ड ब्लॉक की नंबरिंग देखेंगे तो ए इज वन बी इज जीरो, तो ए इज वन बी इज जीरो, दिस नंबर फॉर्म्स मी टू, एंड सिमिलरली द लास्ट ब्लॉक फॉर्म्स मी थ्री। सो ऑन दिस बेसिस मैंने यहां पे इन ब्लॉक की नंबरिंग को लिखा हुआ है जीरो वन टू थ्री, राइट। अब टू वेरिएबल के मैप की ये एक फिक्स रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको कोई भी वेरिएबल आ जाए, राइट। अगर मैं आपको देता हूं कि फंक्शन है आपका सपोज एक्स एंड वाई का, राइट, एक्स एंड वाई वेरिएबल फंक्शन है, तो एक्स एंड वाई अगर है उसमें दो वेरिएबल आपको बनाना है, जस्ट ड्रॉ द फोर ब्लॉक्स, एक साइड आप एक्स लिखेंगे एक साइड वाई लिखेंगे, एक्स इज द एमएसबी साइड, इसके दो कॉम्बिनेशन होंगे 0101 और इन ब्लॉक का नंबर क्या होगा 0 1 2 एंड 3। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज फिक्स, इसलिए मैं यहां पे पहले सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ही मेमोरी करवा रहा हूं सो दैट आप इसे मेमोराइज रखेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन टू वेरिएबल का मिलता है जस्ट ड्रॉ दिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये बात हो गई टू वेरिएबल के लिए। अब इसी तरह से सेम वे होगा हमारे आगे वेरिएबल्स में, जैसे कि सपोज मैं बात करता हूं सबसे पहले थ्री वेरिएबल के मैप। नाउ थ्री वेरिएबल है तो इन द सेम वे जैसे हमने पढ़ा कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे 2 to the power 3, दैट मींस 8। सपोज आई विल लेट ए बी सी आर द थ्री वेरिएबल्स, तो ए इज द एमएसबी साइड एंड सी इज द एलएसबी साइड, राइट। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, आपकी बार कितने ब्लॉक हैं, आपकी बार 8 ब्लॉक हैं। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज 8 ब्लॉक्स, और इन 8 ब्लॉक्स में ध्यान रखिएगा इस लाइन पे आपकी बार एक साइड आपका ए वेरिएबल है एंड ऑन द राइट साइड देयर टू वेरिएबल्स बी एंड सी, राइट। अब अगर सिंगल वेरिएबल होता है तो उसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन कौन से, जीरो और वन। बट अगर दो वेरिएबल होते हैं तो उनके कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, जी हाँ, उनके फोर कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो फोर कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। अभी अगर आप बनाएं बी और सी के फोर कॉम्बिनेशन तो आप बोलोगे 0 1 0 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। बट के मैप के अंदर ये बाइनरी कोडिंग नहीं अप्लाई होती, के मैप के अंदर कोडिंग अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। जी हमने ग्रे कोड इसलिए पढ़ा था बिकॉज ग्रे कोड में हमने पढ़ा था कि हर एक कोड अपने नेक्स्ट कोड से सिंगल बिट चेंज अलाउड होता है, राइट। तो के मैप में यही कोडिंग को शफल किया गया था और ग्रे कोड की कोडिंग क्या बनी थी, 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। तो यही सेम ग्रे कोडिंग आपकी यहां पे यूज होती है इन द के मैप 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ रिमेनिंग थिंग आर द ब्लॉक नंबर्स, तो अगर इसके ब्लॉक नंबर देखेंगे तो दिस इज 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6। कैसे फॉर्म किए ब्लॉक नंबर, सेम मेथड है कि मुझे कंबाइन करना है इन तीनों वैल्यूज को, कैसे, ए बी एंड सी, इसका वेट 4 होगा, इसका वेट 2 होगा, इसका वेट 1 होगा, दिस इज बेसिकली 4 to 1 कोड। तो अगर यहां पे कोड बन रहा है 0 0 0, तो 0 0 0 बिकम्स व्हाट, 0 0 बिकम 0। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक का कोड ढूंढ रहा हूं तो दिस इज 0 दिस इज 0 1, तो 0 0 1 मुझे यहां पे फॉर्म करेगा 1, दैट्स व्हाई दिस ब्लॉक नंबर इज 1। द नेक्स्ट ब्लॉक सेज 0 1 1, तो 0 1 1 सेज दिस नंबर सेज अकॉर्डिंग टू द बाइनरी कॉम्बिनेशन ये एक बनेगा आपका नंबर 3, तो दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट 3। सिमिलरली आप कोई भी ब्लॉक देख सकते हैं, सपोज मैं कहता हूं मुझे इस नंबर 5 ब्लॉक को देखना है कि मैंने नंबर 5 क्यों लिखा है, सो व्हाट इज द ए ओवर हियर, दैट इज 1, व्हाट इज द बी सी कॉम्बिनेशन ओवर हियर, 0 1, सो वी विल गेट 1 0 1, तो 1 0 1 व्हाट रिप्रेजेंट, दैट इज 5, दैट्स व्हाई दिस ब्लॉक नंबर इज 5। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, हर एक के मैप के अंदर वेरिएबल चेंजिंग जरूर होती है बट किस तरह से ब्लॉक नंबर बना है वो कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हो, राइट। मेन थिंग है कितने ब्लॉक बनेंगे और ब्लॉक नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे आ रही है। अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को मेमोराइज करेंगे क्योंकि जब भी आपका थ्री वेरिएबल के मैप आता है ये ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट एज इट इज, सबसे पहला स्टेप है इसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना। अगर आपने इसमें चेंजेस करे या इसमें कुछ गलती कर दी या नंबरिंग ही गलत लिख दिया, सपोज 0 1 2 3 आपने लिख दिया, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ फर्स्ट स्टेप रॉन्ग, सो वहीं पे आपका लास्ट आंसर तो चेक होने का मतलब ही नहीं है, यहीं से आपका क्या होगा, सॉल्यूशन कट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज द फोर वेरिएबल की मैप।
फोर वेरिएबल के मैप की बात हुई है तो डेट मीन्स 2^4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशंस। तो ये आपके अब की बार 16 ब्लॉक्स हैं जहां पे दोनों साइड अब की बार दो दो वेरिएबल आ गए ए बी एंड सी डी। और अगर दो वेरिएबल्स होते हैं मेरे पास टू वेरिएबल्स आ गए तो दे आर फोर कॉम्बिनेशन इन द ग्रे कोडिंग 0001 1110 0001 1110 तो दे बोथ आर इन ग्रे कोडिंग। और सिमिलर बेस पे इन ब्लॉक के नंबर जैसा कि हमने अब तक बनाए हैं उसी सेम बेस पे बनते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 देन 8 यहां पे। 8 यहां पे क्यों है? बिकॉज अगर आप इसका नंबर कंबाइन करेंगे दिस इज 10 एंड दिस इज 00 सो व्हाट इज दिस दीज आर द फोर कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी। तो अगर मैं आपको बोलूं फोर कॉम्बिनेशन क्या बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखो फोर वेरिएबल के तो हम कैसे लिखते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 अप टू 16 टाइम देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 देन 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 और 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1 राइट। तो दीज आर द फोर वेरिएबल कॉम्बिनेशन। तो आप अगर मैं इसे फॉर्म करूं यहां पे ए इज द एमएसबी डी इज द एलएसबी साइड तो 1000 सो 1000 गिव्स मी ओवर हियर और ये कॉम्बिनेशन आपका फॉर्म करता है 8। वैसे भी आप देख सकते हैं एज पर द वेटेज 8421 दिस कॉम्बिनेशन गिव्स मी वैल्यू 8। सो दैट्स वे द नंबर ऑफ दीज ब्लॉक्स आर गिवन। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन है एज इट इज ड्रॉ होगी ये कहीं चेंज नहीं होती है फॉर एनी क्वेश्चन। चेंज क्या होता है क्वेश्चन पे डिपेंडेंट क्या है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बट ये स्टेप डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन कितने वेरिएबल में पूछा गया है। सबसे पहले एज इट इज ये रिप्रेजेंटेशन स्टेप ड्रॉ हो जाता है राइट। तो मेनली आप इसमें ब्लॉक्स याद रख सकते हैं ब्लॉक नंबर आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे ऐड करके मैंने बताया कि नंबर कोड को कंबाइन कीजिए यू विल गेट द पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर एंड इफ यू मेमोराइज दैट तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए मेमोराइज कर लीजिए बट गलती होने के चांसेस ना हो इसलिए बनाने के बाद अपने ब्लॉक नंबर को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि आपके रिप्रेजेंटेशन स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रिप्रेजेंटेशन हमें क्या करना है। नाउ द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड प्लेसिंग। जी हाँ जो मैं पहले बोल रहा था कि के मैप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक्सप्रेशन भी मिल सकता है और मिन टर्म्स भी डायरेक्टली मिल सकती हैं बिकॉज हमने लास्ट क्लास में सीखा था एक्सप्रेशन से मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स कैसे बनती हैं। तो अगर मिन टर्म हमें गिवन है लाइक द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 to 5 9 15 तो वॉट आर दीज कॉल्ड दीज कॉल्ड मिन टर्म्स। वाई बिकॉज यहाँ पे समेशन है मैंने आपको बताया था समेशन या स्मॉल m वो कहलाता है हमारा मिन टर्म राइट। अब इसमें मिनटम कितनी नंबर हमें मिला है हमें नंबर मिला है 15। तो अगर आप पीछे अभी तक जो हमने जो के मैप करे हैं उनमें अगर हम देखें तो बेसिकली 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितना बाइनरी वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा 15 को बनाने के लिए आई रिक्वायर्ड 1111 इन बेस 2 दैट मींस मिनिमम और मिनिमम मुझे 4 वेरिएबल्स चाहिए ही चाहिए। तो दैट मींस कौन सा के मैप मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा 4 वेरिएबल के मैप टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये मेरा पहला स्टेप था कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल सिलेक्शन करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन आता है ये इस तरह से लिखा आता है एफ ऑफ फंक्शन ए बी सी डी राइट देन समेशन साइन के साथ आपको वैल्यूज गिवन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं विच आर ए बी एंड सी डी राइट। अब उन 4 वेरिएबल्स को गिवन नहीं है तो आई विल लेट बाय सेल्फ ए बी एंड सी डी 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए राइट। नाउ द सेकेंड स्टेप कम दैट इज व्हाट इज प्लेसिंग। तो प्लेसिंग का मतलब क्या है फॉर मिन टर्म वी प्लेस वन ऑन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। जी हाँ जो ब्लॉक नंबर हमें यहाँ पे गिवन है जो मिन टर्म हमें यहाँ पे गिवन है उस रेस्पेक्टिव ब्लॉक नंबर पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा 1। जैसे मुझे यहाँ पे 0 मिन टर्म गिवन है तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। 2 गिवन है तो 2 पे 1 रिप्रेजेंट कर दिया 5 पे रिप्रेजेंट कर दिया 9 पे रिप्रेजेंट कर दिया एंड 15 पे रिप्रेजेंट कर दिया तो दिस इज कॉल्ड द प्लेसिंग स्टेप। वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में मैक्स टर्म्स गिवन है राइट नाउ द क्वेश्चन सेज दिस इज अ मैक्स टर्म तो मैक्स टर्म के केस में वही 4 वेरिएबल के मैप है अगेन 15 आ रही है 4 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन बनाया और मैक्स टर्म रिप्रेजेंट होती है 0 से। फॉर मैक्स टर्म वी प्लेस 0 ऑन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक तो यानी 1 पे मुझे 0 प्लेस करना है 5 पे 0 प्लेस करना है 8 पे 0 प्लेस करना है 9 पे 10 पे और 15 पे तो दिस स्टेप इज कॉल्ड प्लेसिंग स्टेप राइट। सो आफ्टर दिस आप लोग के मैप के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फॉर 2, 3, 4 वेरिएबल और प्लेस कैसे किया जाता है मिन टर्म है या मैक्स टर्म है तो मुझे उसे किस वैल्यू से प्लेस करना है नाउ दिस इज क्लियर टू यू।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग स्टेप। जी हाँ, अब इन जो हमने वंस जो है प्लेस किए हैं या जीरो प्लेस किए हैं, इन वंस और जीरो में किस तरह से मैं ग्रुपिंग फॉर्म करूंगा उसकी बात मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करनी है, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर के मैप। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्रुपिंग कैसे की जाती है इनसाइड द के मैप। थैंक यू।